हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रेंज की बहुत बड़ी जीत के बारे में। दोस्तों, मेरे पास बहुत बड़ी एंड एक्सप्लोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। रोमन रेंज के बारे में आई है बहुत बड़ी अपडेट, पर वो अपडेट देने से पहले मैं आपको कुछ बड़े अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों, रूसेव को एक्सट्रीम रूल्स में हराने के बाद क्वेश्चन थे कि कौन हो सकता है एजे स्टाइल्स का ओपोनेंट एट समर स्लैम। पर पास्ट वीक से रिपोर्ट्स आ रहे थे कि हमें एजे स्टाइल्स वर्सेस समोआ जो की मैच देखने मिलेगी फॉर WWE चैंपियनशिप एट समर स्लैम। पर WWE ने ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन की एडवर्टाइजमेंट की और उसमें शो कर रहे था और कंफर्म भी हुआ था कि एजे स्टाइल्स फेस करेंगे समोआ जो को एट समर स्लैम फॉर WWE चैंपियनशिप। ये मैच पॉसिबली अनाउंस होगा नेक्स्ट वीक ऑन स्मैकडाउन लाइव, क्योंकि पेज ने अनाउंस किया था कि वो WWE चैंपियनशिप के प्लान्स नेक्स्ट वीक अनाउंस करेंगे। दोस्तों, दूसरी बड़ी अपडेट जुड़ी है द अंडरटेकर के बारे में। हमने लास्ट अंडरटेकर को देखा था मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, जहां पर उन्होंने टीम अप किया था रोमन रेंज और ब्रॉन्स रोमन के साथ एक विनिंग फैशन में। और अब सभी रेसलिंग फैंस वेट कर रहे हैं अंडरटेकर के रिटर्न का। अंडरटेकर को नेक्स्ट बुक किया गया है ऑस्ट्रेलिया के सुपर शोडाउन में, जो होगा अक्टूबर महीने में। पर दोस्तों, र्यूमर्स फैल रहे हैं कि अंडरटेकर समर स्लैम में मैच जरूर करेंगे और उनकी मैच होगी मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना के साथ। डेव मेल्सर ऑफ रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो ने कहा कि अंडरटेकर आ सकते हैं समर स्लैम में और र्यूमर स्टिल है अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना के मैच के। और फिर इस तरह हमें रेसलमेनिया 34 का रीमैच फिर से देखने मिलेगा, पर स्टिल ये कंफर्म नहीं है। दोस्तों, ये कहना था डेव मेल्सर का अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना के बारे में। और दोस्तों, अगर अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना की मैच होती है एट समर स्लैम, तो हमें इन दोनों का रिटर्न देखने मिलेगा अपकमिंग रॉ में। तो फिर हमें देखना होगा कि आगे होता है क्या। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रोमन रेंज के बड़े जीत के बारे में। सभी के मन में सवाल है कि आखिर कौन कम्पीट करेगा फाइनली ब्रॉक लेसनर से फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट समर स्लैम। पिछले कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें अपडेट मिली थी कि जो नेक्स्ट वीक मैच होने वाला है रोमन रेंज वर्सेस बॉबी लैशली का, वो मैच नो काउंट आउट में एंड हो जाएगा और इसकी वजह से हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच मिलेगी एट समर स्लैम, ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस रोमन रेंज फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और हल्क होगन हो गए इस मैच के स्पेशल एनफोर्सर और वो मैच समर स्लैम में जीत जाएंगे बॉबी लैशली और बन जाएंगे फर्स्ट ब्लैक यूनिवर्सल चैंपियन। और फिर न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बॉबी लैशली का हाथ रेस करेंगे हल्क होगन। पर दोस्तों, अब जो न्यू रिपोर्ट्स आई है वो आपको शॉक कर देगी और खुश भी। और वो न्यू रिपोर्ट है कि रोमन रेंज वर्सेस बॉबी लैशली के नेक्स्ट वीक के मैच में रोमन रेंज वो मैच जीतेंगे और फेस करेंगे ब्रॉक लेसनर को फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और फिर रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को हराकर बन जाएंगे यूनिवर्सल चैंपियन एट समर स्लैम फाइनली। वो इसलिए क्योंकि विंस मैकमैन रोमन रेंज पर जरा भी गिवअप नहीं कर रहे हैं, इवन दो उन्हें पता है कि रोमन रेंज को USA क्राउड बहुत ज़्यादा हेट करती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए हमें ये वाली रिपोर्ट्स मिली है। पर दोस्तों, समर स्लैम के लिए स्टिल 4 हफ्ते बाकी है और इस 4 हफ्तों में हमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप पिक्चर के बारे में अपडेटेड एंड चेंज रिपोर्ट्स मिलती ही रहेंगी। तो आप सभी स्टे ट्यून्ड रहिए एंड एक्साइटेड रहिए ऑन रेसलिंग बादशाह। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। और मुझे कमेंट सेक्शन में 3 चीज़ों के बारे में बताइए। फर्स्ट, क्या समोआ जो रहेंगे सही अपोनेंट फॉर एजे स्टाइल्स एट समर स्लैम? और सेकंड, क्या आप अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना की रिमैच देखना चाहेंगे एट समर स्लैम? और थर्ड, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा नेक्स्ट वीक ऑन रॉ, बॉबी लैशली या फिर रोमन रेंस? तो गाइस, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।